नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजधानी रांची से 8 नए मामले की पुष्टि हुई है और उप राजधानी दुमका तक भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। दुमका में 2 नए मामले सामने आने से एक तरीके से संथाल परगना के एक और जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। राजधानी रांची में जो मामले मिले हैं उनमें से ज़्यादातर मामले हिंद पीढ़ी के हैं और आपको हम बता देते हैं इस वक्त की टोटल जो सैंपल्स की जाँच हुई वो 671 सैंपल की जाँचें हुई, जिसमें कि 642 सैंपल्स जो हैं वो सरकारी अस्पतालों के जो केंद्र हैं, जो सैंपल्स कलेक्टिंग सेंटर है, वहां पर उनकी जांच हुई थी और सारे के सारे पॉजिटिव जो है यहीं से निकलकर सामने आए हैं। हालांकि निजी लैब में भी अब जांचें जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। 29 कुल जांचें निजी लैब में हुई और अब तक की जो खबर आ रही है 10 नए कोरोना मरीज मिलने से पूरे झारखंड में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और टोटल इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या झारखंड में पहुंच चुकी है 125 तक। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि दुमका तक किस तरीके से कोरोना पहुंचा। दरअसल गुड़गांव से जो है 9 मजदूर जो हैं वो पहुंचे थे सरैया हाट और सरैया हाट में उनको जो है कस्तूरबा जो स्कूल होते हैं वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा गया था। वहाँ से कुल 11 संदिग्धों के सैंपल जो है वो भेजे गए थे, तो उसमें से 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट, 2 संदिग्ध की जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है और उपायुक्त राजेश्वरी ने वहां पर बताया कि लगातार जो है वहाँ पूरे इलाके को एक तरीके से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और उनको जो है वहाँ से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनका समुचित और सही इलाज हो सके। तो ये तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट था। हिंद पीढ़ी में लगातार जो है केसेस मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों आपने देखा कि 2 दिनों से कोई केस नहीं था, उसके 2 दिनों तक जो है मात्र 2-2 केसेस थे और उसके बाद एक तरीके से लग रहा था कि संक्रमण जो है वो एक तरीके से स्थिर हो जाएगा, लेकिन फिर से 10 नए मामले आने के बाद राज्य के अंदर जो है एक नए सिरे से चर्चा भी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि संक्रमण के ये बढ़ते हुए केसेस किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ेंगे, इस पर जो है जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आपको देते रहेंगे। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की ओर, हेमंत सोरेन साहब ने साफ कर दिया है कि जो भी मजदूर राज्य के अंदर आएंगे उनको फिर से राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार उनको यहीं पर रोजगार जो है वो मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार उस दिशा में हर एक वो कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही है जहां से कि रोजगार पैदा हो। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। नितिन कुलकर्णी साहब जो कि हेल्थ विभाग में स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने साफ कर दिया है हिंद पीढ़ी में जो है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं हो और उन्होंने नया आदेश जो है जारी किया है, नया निर्देश जारी किया है एक तरीके से, और प्रधान सचिव ने भी जो है काफी एक्टिवनेस दिखाई है एक तरीके से। और इसके बाद अब हिंद पीढ़ी के गलियों को भी जो है वो एक तरीके से बैरिकेडिंग करके बंद किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन पहले ही वहां पर सख्ती बरत रहा था, सीआरपीएफ के हवाले जो है पूरा क्षेत्र दिया गया है और हिंद पीढ़ी से जो केसेस नए में मिले हैं उन ताजे मामले को देखते हुए प्रशासन को और ज्यादा वहां पर सख्ती बरतने की जरूरत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो सरकारी स्कूलों में जो पठन पाठन का कार्य होगा अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि वो शुरू हो जाए। हालांकि निजी स्कूलों के स्कूल फीस को लेकर जो है कांग्रेस और झामुमो के बोल जो हैं वो अलग अलग आए हैं। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर निजी स्कूल फीस नहीं लेंगे तो फिर टीचर्स की सैलरी वेतन संबंधी दिक्कतें आ सकती है और खामियाजा जो है वो पेरेंट्स को भुगतना पड़ सकता है। तो एक और जगन्नाथ महतो साहब शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि निजी स्कूलों को फीस जो है हर हाल में नहीं लेना होगा, उसके लिए उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अलग बोल से जो है थोड़ी स्थितियां एक तरीके से वहां पर अलग तरीके की उत्पन्न हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के जो है निर्देशानुसार ही अगला कदम उठाया जाएगा और जो भी इस पर अपडेट आएंगे लगातार हम आपको देते रहेंगे। तो टोटल सैंपल्स की जांच हुई थी 671 और 29 उसमें से निजी लैब में जांच हुई, यानी कि निजी लैब में भी अब जांच जो है लोग देने लगे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी निजी लैब्स के जाँच संबंधी जो भी रिपोर्ट आएगी उसको हर हाल में सिविल सर्जन से जो है वो बताना पड़ेगा। कुछ विकास की योजनाएँ भी रांची में
अटकी हुई है लॉकडाउन को चलते, जैसे एलिवेटेड रोड हो या फिर सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर जो है तमाम तरीके की बातचीत वहां पे हो रही है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन में कहीं कोई ढील जो है अभी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि बाहर से लोग लौट रहे हैं, बाहर से मजदूर और छात्र लौट रहे हैं। तमाम तरीके की बातचीत जो है इस पर जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आपके बीच देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। जिस तरीके से जो है सरकार ने जो भी निगम कर्मी भी हैं उनको लिए भी बीमा का प्रावधान 50 लाख कर दिया है, और जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, सफाई कर्मी जो कोरोना के खिलाफ इस संघर्ष में सरकार के साथ हैं, उन सभी का एक तरीके से बीमा जो है वो 50 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। और यानी कि अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि पुलिस वाले, दो पुलिस वालों की मौत हो गई थी, उसके बाद मांग उठ रही थी कि उनके जो है लगातार बीमा की राशि, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी, जो भी आगे अपडेट आएगा लगातार हम आपके बीच देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल चल रही थी और उसमें से जो परमानेंट लैब टेक्नीशियन थे वो तो वापस लौट आए हैं, लेकिन अस्थाई लैब टेक्नीशियंस जो हैं वो अभी भी हड़ताल पे हैं। उनकी सरकार से कुछ मांगे हैं और सरकार को उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी वो वापस जो है ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। आपको ज्ञात हो कि पिछले दिनों जो है रिम्स के लैब में जो है कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई थी और उसके बाद एहतियात के तौर पे ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक अगले 4 दिनों तक जो है कोरोना की जांच वहां पे रोक दी गई थी, और उसके बाद अब पुनः जो है जांच वहां पे जारी है। तो इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। बाहर से लौटने वालों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो है रोड़ा उत्पन्न किया गया, यहाँ के बसेस को जो है वहाँ पे सीमा में घुसने नहीं दिया गया। हालांकि सरकार ने अब इसके लिए नए सिरे से कोशिशें तेज कर दी है। सरकार का साफ करना है कि जो समस्याएँ थी उसको दूर कर ली गई है और अब पुनः जो है बसों से यात्रियों की वापसी जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। तो इस बारे में जो भी अपडेट्स आएगा लगातार हम आपके बीच देते रहेंगे। और दिल्ली और महाराष्ट्र से अभी ट्रेन सेवा चलने के उम्मीद कम है, ये भी हम आपको अपडेट दे दे रहे हैं। तो जो भी इस बारे में और फर्दर अपडेट्स आएंगे हम लगातार आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो भी इस वीडियो को देख रहे थे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोज हम रोजाना लाते रहते हैं। बहुत बहुत आप सभी का